सो गाइस, बिग बॉस के घर के अंदर आए पैडी को मिलने के लिए दो स्पेशल गेस्ट, जिन्हें देखकर पैडी काफी इमोशनल हो गए। तो चलिए जानते हैं कि घर के अंदर कौन आया। सो गाइस, जैसा कि हम सभी को बताया कि बिग बॉस के घर के अंदर फैमिली वीक शुरू है, जिसके बाद फिर बिग बॉस सबको फ्रीज करते हैं और ये बताते हैं घर के अंदर एक कॉमेडियन है जो सबको हंसाता है, मगर आज हमें उसकी दूसरी साइड देखने को मिलेगी, आज वो काफी इमोशनल होगा। जिसके बाद फिर पैडी समझ जाते हैं कि उसके फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं और फिर गेट खुलता है और सामने पैडी की दोनों बेटियां होती हैं, जिसके बाद फिर दोनों बेटियां पैडी को भागकर गले मिलती हैं और फिर पैडी उसी हालत में रोने लग जाता है। फिर बिग बॉस सबसे पहले पैडी को अनफ्रीज करते हैं, जिसके बाद फिर पैडी अपनी दोनों बेटियों को किस करता है और उनको गले मिलता है, जिसके बाद फिर पैडी की दोनों बेटियां सभी घर वालों को हाय हेलो करती हैं और फिर पैडी और उनकी दोनों बेटियां बाथरूम के यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देती हैं। पैडी की बेटियां ये बताती हैं कि बाबा, आप घर के अंदर इंडिविजुअल तो दिख रहे हो, मगर आपके मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, आपको थोड़ा और क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि हमको पता है, घर वालों को पता है, मगर जनता को नहीं पता कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, तो अपनी बातों को खुलकर बोलो और अपने मुद्दे खड़े करो। जिसके बाद फिर पैडी की बेटियां पैडी की तारीफ करते हुए ये कहती हैं कि अरबाज वाले टास्क के अंदर आपने अरबाज को काफी टक्कर दी थी, जिसे देखकर हमें काफी अच्छा लगा। जिसके बाद फिर पैडी कहता है कि मैं इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रहा, क्या मैं सूरज का साथ छोड़ दूं क्या? इसके बाद फिर उसकी बेटियां कहती हैं कि नहीं, आप सूरज का साथ मत छोड़ो, पर आप पहले अपनी गेम तो दिखाओ। जिसके बाद फिर पैडी की बेटियों को घर के अंदर काफी कम टाइम मिलता है और फिर उनका घर से विदा हो जाता है। सो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि पैडी घर के अंदर एक दबाव में गेम खेल रहा है और खुल के सामने नहीं आ रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।